हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आप लोगों ने कभी सलून से बालों को फ्लॉन्ट करते हुए किसी को निकलते देखा है? ज़रूर देखा होगा। इसी के साथ में आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही होंगे, जैसे कि हेयर को फ्लॉन्ट करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, स्पा करना सही रहेगा या केराटिन बेटर है हमारे बालों के लिए, साथ में गाइस क्या ये सच में काम करता भी है, ये करवाना सही रहेगा, एंड अगर मैंने ये करवा लिया तो इसके आफ्टर इफेक्ट कैसे रहेंगे मेरे बालों के लिए। ये सारे क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में घूमते ही रहते हैं, एंड इसी के साथ में कॉस्ट भी इफेक्ट करती है। लाइक हम जाएंगे, टाइम लगेगा एंड कॉस्ट होती है, जो पैसे होते हैं वो बहुत सारे चले जाते हैं जब भी हम ये सारे ट्रीटमेंट करवाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक अच्छा सा सोल्यूशन। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने बालों को करना है एनालाइज, लाइक आपके बाल सिर्फ डैमेज है या आपके बालों को थोड़ी सी लाइक केयर एंड अटेंशन की ज़रूरत है। ये दोनों टाइप अलग अलग होते हैं। सो अगर देखा जाए आपके बाल थोड़े से डैमेज है या आपके, तो आप केराटिन ट्रीटमेंट के पास जा सकते हैं, लाइक केराटिन ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उसके केराटिन ट्रीटमेंट लास्ट करता है अप टू 6 मंथ आई थिंक। सो मैंने कभी करवाया नहीं, बट हाँ मुझे इतना लगता है 6 महीने आई थिंक वो लास्ट करता है। बट अगर आपके बालों को थोड़ी सी अटेंशन एंड केयर की जरूरत है तो आप हेयर स्पा की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो हेयर स्पा आपके बालों में 1 महीने तक लास्ट करता है, एंड आपके बाल फ्रिजी है नॉर्मली एंड थोड़े से ड्राई हैं, फील करते हैं आप, देखते हैं अपने बालों को थोड़े ड्राई लगते हैं, थोड़ी सी हेयर फॉल होती है आपको, एंड आपके बालों का जो बाउंस है वो खत्म हो जाता है, एंड आपके बाल आपको थोड़े अच्छे नहीं लगते, लगता है यार इनको थोड़ी सी अगर मैं केयर करती हूँ तो मेरे को मेरे बाल अच्छे लगने लग जाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे बालों के लिए, हम खुद फील करने लग जाते हैं। सो आप खुद एनालाइज कीजिए अपने बालों को कि आपके बालों को सच में चाहिए क्या। हेयर स्पा गाइस बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, एंड ये हर हेयर टाइप के लिए एकदम अच्छे से जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं आपके ड्राई है तो आप मत करवाइए, ऑयली है तो मत कराइए, ऐसा नहीं है। हेयर स्पा हर हेयर टाइप के लिए सूटेबल रहता है, एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप हर महीने हेयर स्पा ज़रूर करवाइए, क्योंकि ये आपके बालों के लिए बेस्ट रहता है। ये आपके जड़ों को पोषण देता है, आपके जो लाइक जो रूट्स होती है उनको मॉइस्चर देने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारी जो जड़ें होती है, जो रूट्स होती है, वो ड्राई हो जाती है अगर नॉर्मली हम उनकी केयर नहीं करते हैं तो। हेयर स्पा से वो बहुत अच्छा फील करते हैं, एंड देन हमारी जो हेयर ग्रोथ होती है वो भी सही रहती है, हमारी जो एंड्स रहती है वो भी अच्छी रहती है। तो हेयर स्पा मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप उसको थोड़े से टाइम में करवाते रहिए, ताकि आपके बाल जो है गाइस वो ब्रीथ कर पाए, उनको फील अच्छा हो एंड आप भी फील अच्छा करें। सारी बातें करने के बाद दिमाग में यही बात आ रही होगी ना कि यार हेयर स्पा अगर मैं हर महीने करवाऊंगी तो वो बजट में रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि वो सीरियसली अगर आप हर महीने करवाते हैं तो वो बजट से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि आप पार्लर में जाके करवाओगे तो वो बजट से सीरियसली ऊपर ही जाएगा, एंड टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हम पार्लर में हर महीने जाके अपने बालों में हेयर स्पा नहीं करवा सकते हैं, इतना पैसा वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो इसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा सोल्यूशन लेके आई हूँ। सो गाइस, न्यूड ने लॉन्च किया है न्यूड 10 मिनट DIY एडवांस हेयर स्पा किट। इसमें आपको वो सारे स्टेप्स मिलते हैं जो कि हम सलून में बैठ के करवाते हैं अपने बालों में हेयर स्पा, स्टेप बाय स्टेप आप घर पे ही बैठ के वो चीज़ें कर सकते हैं, एंड वो भी अपने बजट में। सो ये जो हेयर स्पा किट है गाइस, इसमें आपको इजी 4 स्टेप्स मिल जाते हैं जो कि आपको कंटिन्यू करने हैं। ये जो हेयर स्पा किट है गाइस, इसकी प्राइस है 355 रुपीज़, एंड इसमें आपको 4 इजी स्टेप्स मिल रहे हैं, जिसमें आपको ईच स्टेप में 10 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है, तो टोटल आपको 40 ग्राम ऑफ अमाउंट मिल रहा है इसमें। एंड साथ साथ में गाइस एक चीज़ अच्छी ये है कि ये है ट्रैवल फ्रेंडली टू, लाइक देखा जाए तो अगर आप अभी वेडिंग सीजन है, तो वेडिंग सीजन में अगर आपको कहीं बाहर जाना है, शादी अटेंड करनी है, एंड आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आपको बस 10 दिन के अंदर जाना है, एंड आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बस जाके पार्लर में हेयर स्पा करवा ले, आप वहाँ पे जाके भी फटाफट से अपने लाइक शादी अटेंड करने से पहले भी आप हेयर स्पा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओनली 10 मिनट लगेंगे, एंड 10 मिनट में आपके बाल हो जाएंगे बहुत ही अमेजिंग। सो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आपको ये हेयर स्पा को यूज़ करना है स्टेप बाई स्टेप, एंड इसके आफ्टर इफेक्ट्स कैसे रहेंगे वो भी देखते हैं। सो स्टार्ट करते गाइस स्टेप बाय स्टेप। आपको हेयर स्पा स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना है आपके बाल जो है गाइस वो वेट होने चाहिए, गीले होने चाहिए। अब हमारा फर्स्ट स्टेप करते हैं जो कि है हेयर स्कैल्प स्क्रब। सो ये जो स्क्रब है गाइस, ये बहुत ज़्यादा थिक स्क्रब नहीं है, तो बहुत इजीली आप अपने स्कैल्प में यूज़ कर सकते हैं। ये जो हेयर स्क्रब है गाइस, इसमें है टाइनी टाइनी से कॉफ़ी बीट्स जो हमारे स्कैल्प को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करते हैं। सो आपको थोड़ा सा स्क्रब लेना है एंड जेंटली अपने स्कैल्प में मसाज करनी है।
जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, जिससे हेयर ग्रोथ होने में हेल्प होती है। ये जो स्क्रब है गाइस, इसके जो बीड्स है ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, एंड जेंटली मसाज करने से आपके जो स्कैल्प में जो डेड स्किन सेल्स होती है या आपके स्कैल्प में थोड़ी सी गंदगी है, इम्प्योरिटीज़ है, बहुत ज़्यादा ऑयल है, तो वो रिमूव करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ में आपकी जो स्कैल्प होती है उसको फ्रेशन अप करने में भी हेल्प करता है। सो इस स्क्रब से आपको करनी है 3 मिनट की मसाज, एंड देन आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है। सो आफ्टर वॉश गाइस, सेकेंड स्टेप यूज़ करते हैं जो कि है हेयर स्पा शैम्पू। सो ये जो शैम्पू है गाइस, ये हमारे स्कैल्प से जो भी एक्स्ट्रा सीबम होती है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। जो भी एक्स्ट्रा सीबम होता है गाइस, वो हमारे बालों को जल्दी ऑयली बना देता है, सो ये उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ में गाइस, ये जो शैम्पू है ये हमारे बालों से डर्ट एंड पोल्यूशन को रिमूव करने में हेल्प करता है, जिससे हमारे बाल हेल्दी एंड बाउंसी नज़र आते हैं। सो शैम्पू करने के बाद बालों को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। आप जब भी आप शैम्पू करते हैं तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, जो शैम्पू है आप अपने स्कैल्प में यूज़ कीजिए। बहुत लोग होते हैं सिर्फ ऊपर से शैम्पू यूज़ कर लेते हैं बालों में, जिससे उनके बाल जल्दी ड्राई हो जाते, तो इस तरीके से ड्राइनेस से बचने के लिए आप ये चीज़ अवॉइड कीजिए। सो आफ्टर वॉश गाइस, इसका थर्ड स्टेप यूज़ करते हैं जो कि है हेयर स्पा कंडीशनर। जब भी आप कंडीशनर यूज़ करते हैं तो वो आपको अपने मॉइस्ट हेयर पे यूज़ करना है, लेकिन हमेशा लेंथ पे यूज़ कीजिए, वो आपको अपने जड़ों पे बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। एंड अच्छे से आपको कंडीशन करना है। कंडीशनर बालों को शाइनी एंड बाउंसी लुक देने में हेल्प करता है, साथ ही साथ में कंडीशनर बालों को मैनेजेबल बनाने में भी हेल्प करता है। ये जो कंडीशनर है गाइस, इसमें है हिबिस्कस, जो बालों में मेलानिन क्रिएट करता है, एंड साथ ही साथ में ये बालों को नेचुरली शाइन एंड बाउंसी बनाने में हेल्प करता है। सो इसमें है कैरेटिन, जो बालों की ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है। सो ये जो कंडीशनर है, इसको इक्वली आपको अपनी लेंथ पे इस तरीके से यूज करना है, 3 मिनट तक छोड़ना है, एंड देन आपको अपने बालों को रिंस कर लेना है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप, हेयर सीरम। सो ये जो सीरम है गाइस, मुझे इसका जो टेक्सचर है ये बहुत अमेजिंग लगा है। सो न्यूट का ये जो सीरम है गाइस, ये आपको अपने डैम्प हेयर पे सबसे लास्ट में यूज़ करना है। साथ में गाइस, ये जो सीरम है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, जल्दी से आपके बालों में एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड इसमें है आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, एवोकाडो ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो कि आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है डेली डैमेज से, प्रिवेंट करता है डैंड्रफ एंड इचेस स्कैल्प से, या आपके बालों की जो ग्रोथ होती है उसको स्पीड अप करने में हेल्प करता है। इसी के साथ में ये आपके बालों को बहुत ही बाउंसी एंड मैनेजेबल बनाने में भी हेल्प करता है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इस सीरम की गाइस, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, नॉन स्टिकी है, तो आपके बाल भी खिले खिले नज़र आते हैं। सो हेयर स्पा स्टेप बाय स्टेप करने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा, क्योंकि आपके बाल अच्छा फील करेंगे, एंड ये चीज़ आप खुद देख पा रहे हैं, मेरे बाल बहुत ही बाउंसी मैनेजेबल लग रहे हैं, तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। सो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इस हेयर स्पा का मतलब है प्रॉपर हाइड्रेशन देना अपने बालों को, जिससे बाल शाइनी मैनेजेबल नज़र आते हैं, एंड जो चमक होती है बालों में वो नेचुरली नज़र आती है। सो अगर आप भी इस तरीके से अपने बालों में हेयर स्पा करना चाहते हैं तो ज़रूर से आप चेक कर सकते हैं गाइस, एंड परचेज कर सकते हैं न्यूट का ये न्यू एडवांस DIY हेयर स्पा किट, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी लिंक। सो आप इसको न्यूट की साइट से भी ले सकते हैं, साथ ही साथ में Amazon एंड Flipkart पे भी अवेलेबल है, जल्दी से जाइए चेकआउट कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड यस शेयर करना मत भूलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।